हृदयनाथ को मास्टर दीनानाथ जी का सहवास ज्यादा नसीब न हुआ, पर वंश परंपरा से मिला संगीत वारसा, प्रतिभाशाली बहनों का प्रभाव और उस्ताद आमिर खान जैसे गुरु का गंडाबंध शिष्यत्व ने उनके जन्मजात प्रतिभा को और निखारा। उनकी बहुसंख्य रचनाएं स्त्री स्वर प्रधान हुआ करती थी और उन्होंने अपने अधिकांश गाने गायिका भगिनी लता मंगेशकर व आशा भोसले से गवाए। उनका हिंदी सिनेमा के लिए पहला गाना 1969 में प्रदर्शित प्रार्थना फिल्म के लिए ओ बावरी जाएगी तू कैसे पिया दुलारे उन्होंने अपने लता दीदी के कहने पर आशा ताई से गवाया। यह गाना रुद्रनाथ जी के 1960 में बने मराठी भावगीत जीव लगा राही ले रे दुरधर माजे पर आधारित था। आशा ताई के गोलाईकार आवाज ने इस गाने को विशेष रूप से निखारा था, इसलिए लता दीदी के विशेष आग्रह पर हृदयनाथ जी का पहला हिंदी फिल्म सॉन्ग आशा ताई के आवाज में रिकॉर्ड हुआ। मराठी भावगीत गाते समय गाने का भावार्थ सुनने वालों तक पहुंचाना बहुत अहम है, जिसमें आशा ताई इतना बेहतर कोई नहीं। अभी जो 1950-51 में बना सर्वकालिक लोकप्रिय मराठी भावगीत हम लेकर आ रहे हैं, उसकी धुन पंडित हृदयनाथ जी ने अपनी 16-17 वर्ष के आयु में ही बनाई थी और आशा ताई ने पहली बार उनके संगीत निर्देशन में गाया था। इस प्रतिभाशाली भाई बहन जोड़ी का पहला आविष्कार पेश है। Yeah.